हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको वर्किंग लेडी की इंपॉर्टेंट डेट बताऊंगी जो हर वर्किंग लेडी को पता होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखना और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलना। वेल फ्रेंड्स, वर्किंग लेडी के वैसे तो कई राइट्स हैं, बट मैं इसमें दो इंपॉर्टेंट डेट पे फोकस करूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वर्किंग लेडी के लिए। उन्हें नहीं पता है तो उन्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों राइट उनसे रिलेटेड है। जब वो घर पर बैठी होंगी, जब उन्हें बहुत नीड होती है घर पे बैठने की, तब भी उनकी सैलरी जो है वो मेड आउट होती रहती है। तो इसलिए ये उनकी राइट्स हैं जो उन्हें पता होना चाहिए। पहले अगर किसी वर्किंग लेडी को वर्किंग प्लेस पे कोई सेक्सुअल हरासमेंट होती है, तो वो इसकी कंप्लेन करवाए, और कंप्लेन करवाने के बाद जो भी प्रोसेस स्टार्ट होता है उस दिन में वो 90 दिनों की बेड लीव ले सकती है। बेड लीव मतलब जिसमें वो 90 दिन तक अगर ऑफिस नहीं जाती है तो भी उसकी सैलरी मेड आउट हो रही होती है। सैलरी उसकी एज इट इज 90 दिनों तक की सैलरी उसे मिलेगी। 90 दिन के बाद अगर वो अपने ऑफिस में जाती है तो वो ऐसे जाएगी जैसे वो रेगुलर ऑफिस में जा रही थी। उसकी सैलरी भी ऐसे ही मिलेगी जैसे उसको रेगुलर मिल रही थी। उसकी सैलरी कोई 90 दिनों की नहीं काटी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और दूसरी उनकी लीव है जो 26 सप्ताह की है। अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो वो मैटरनिटी लीव 26 सप्ताह के लिए ले सकती है। 26 वीक वो अगर ऑफिस नहीं आती है तो वो एज अ वर्किंग लेडी ही मानी जाएगी। वो ये नहीं माना जाएगा कि नाउ शी इज़ नॉट वर्किंग इन दिस प्लेस। वो वैसे मानी जाएगी जैसे वो वहाँ काम कर रही थी, क्योंकि मैटरनिटी लीव 26 वीक के लिए प्रेगनेंट लेडी के लिए प्रोवाइड की गई है, जिसमें कि 26 सप्ताह तक वो बेड रेस्ट के लिए लीव ले सकती हैं। और उसकी सैलरी पूरी की पूरी वैसे ही बनेगी 26 सप्ताह की जैसे ही बननी चाहिए, जैसे वो वर्किंग थी तब थी वैसे ही वो उस टाइम ही बनेगी अगर वो 26 सप्ताह की लीव लेती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे दो वर्किंग लेडी के इम्पोर्टेंट जो राइट उनको पता होने चाहिए थे। और फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा?